Hello, my little kiddies. How are you all? Are you all good? Excited? Excited for this new session? Okay, so without any delay, welcome to your own channel, Kidoctive Homeschooling. And today we will learn Hindi. हिंदी वर्णमाला ओके सो आई विल टेल यू इन हिंदी ओके सो हियर इट्स रिटन वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना बहुत सारे ये सारे वर्ण हैं ठीक है अ आ ई बड़ी ई ऊ बड़ी ऊ रू ए आई ओ औ अंग आह फिर क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ळ व स श ष ह ख त्र एंड ज्ञ तो ये हमने पहले क्या सीखा पहले हमने कैसे लिखते हैं सीखा उसके बाद स्वर वर्ण लिखना सीखा और व्यंजन वर्ण लिखना सीखा तो ये जो स्वर एंड व्यंजन है इसको मिला के बोलते हैं हम वर्णमाला तो यहाँ पे लिखा है हिंदी में उच्चारण के आधार पर 53 वर्ण होते हैं इनमें 12 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं ठीक है लिखने के आधार पर 57 वर्ण होते हैं और इसमें 12 स्वर और 41 व्यंजन तथा 4 संयुक्त वर्ण होते हैं ठीक है संयुक्त वर्ण ह ख त्र ज्ञ ये है संयुक्त वर्ण वो आगे हम सीखेंगे ठीक है तो एक गाना गाते हैं हम व्यंजन वर्ण के लिए ठीक है क्योंकि स्वर क्या है इंग्लिश में हम बोलते हैं वाउल है ना एंड व्यंजन क्या है इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट हम व्यंजन जो है हम वाउल के मदद से ही वर्ड बनाते हैं मतलब कि शब्द बनाते हैं और शब्द से क्या बनते हैं वाक्य बनते हैं तो हम क्या करेंगे व्यंजन को हम गाना गाते हैं मेरे साथ गाइए आओ मिलकर गाएं गाना व्यंजन का यह मीठा गाना झूम झूम कर हम सब गाएं 33 व्यंजन गुनगुनाए तो क्या क्या है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म तो यह है 33 आओ आओ सारे आओ साथ हमारे तुम भी गाओ गा रहे हैं ना बच्चों मेरे साथ गाइए ठीक है य र ळ व श श ष ह व्यंजन गाना गाएंगे हम बार बार दोहराएंगे हम संयुक्त व्यंजन भी हम गाएं तो संयुक्त जैसे कि मैंने कहा ख त्र ज्ञ एंड स्र है एंड ताली हम सब साथ बजाएं व्यंजन गाना हम सब गाएं कितना प्यारा गीत है ना ठीक है इसमें सारे व्यंजन आते हैं उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कहा स्वर वर्ण हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको वाउल एंड व्यंजन को कंसोनेंट कहते हैं वैसे ही यहाँ पे लिखा है जिन वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं वाउल या स्वर को किसी का सहायता का जरूरत नहीं है पर व्यंजन क्या होता है जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी सांस मुख के किसी अवयव से बाधित होती है जैसे कि हम क्या बोलते हैं क क सांस लेते हैं ख सांस बाहर आती है ग घ ठीक है उन्हें हम
व्यंजन कहते हैं, और क ख ग घ बोलते टाइम हम अ को उच्चारण करते हैं उसी के साथ, है कि नहीं। तो इसमें हम क्या किसका सहायता लेते हैं, स्वर की सहायता लेते हैं, लेकिन स्वर को बोलने के टाइम हम व्यंजन का सहायता नहीं लेते हैं। ये व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, जैसे क प्लस अ तो क्या बन गया क, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही देखिए व न, तो कैसे बच्चे हम इसको बोलेंगे व न, तो वन को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, पहले हम व लिखेंगे, प्लस न लिखेंगे तो क्या बन गया, हम ऐसे ही इसको याद रखेंगे व प्लस न वन। तो इसमें हम ये अ मात्रा वाले हैं, अ मात्रा मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं हम देते, तो इसको हम बिना मात्रा वाले बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो अक्षर बिना मात्रा वाले मैंने सारे लिखे हैं, इसको आपको याद रखना है। फल तो कैसे लिखेंगे, हाँ फ प्लस ल फल, ह प्लस ल हल, इस यहाँ पे लिखा है डस बस मन कप रथ डर घर थक टब नल थन छल गज तट जग धन जल नथ दम ढग खत चल सच तन टन पर पल खग तक चख फन रच रब। तो ये सारे दो मात्रा वाले शब्द हैं, और ये बिना मात्रा वाले, कोई भी मात्रा हम यहाँ पे नहीं लगाए हैं। यहाँ पे देखिए वो जो हमने दो अक्षर वाले शब्द लिए थे उसमें से वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो अक्षर वाले शब्दों से बने वाक्य वाक्य बनाएंगे। वाक्य मीन्स सेंटेंस, यहाँ पे शब्द मीन्स वर्ड और यहाँ पे वाक्य मीन्स सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उठ कर चल, ठीक है, मतलब कि उठ के चलना है। रम मत, यहाँ पे जल भर, लड़ मत, चढ़ मत, घर चल बस कर टब भर रथ पर चढ़। तो ऐसे ही हमको वाक्य पढ़ना भी है और शब्द भी पढ़ना है, और शब्दों को ऐसे ही हमको मिलता है पढ़ने के लिए, तो मिला के क्या बनेगा वन। वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या बोला था, फल फ प्लस ल फल, ह प्लस ल हल, ठीक है। अभी हम वर्कशीट आपको दिखाते हैं।